टेलीविजन कैमरा ट्यूब क्रॉस सेक्शन व्यू, ये जो है मोनोक्रोम टेलीविजन के बारे में है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो टीवी कैमरा होता है वो हीट होता है कैमरा ट्यूब से, जिसमें कैमरा ट्यूब होती है, और वो करता है कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल एनर्जी को उसके कोरस्पोंडिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो एम्पलीट्यूड होगा वो वैरी करता है ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग। इसमें हम कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। तो देखिए, एक ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने टेलीविज करना है, शो करना है टेलीविजन पे। इसमें क्या होगा कि इसके हम एलिमेंट डिटेल करेंगे, कैमरा ट्यूब जो हमारी होगी उसके बारे में देखेंगे, जो ऑप्टिकल इमेज होगी जिसे हम जिस सीन को हम ट्रांसमिट करेंगे, फोकस करेंगे लेंस के थ्रू। इसके आगे एक लेंस होता है, फोकसिंग लेंस, जिसे फोकस किया जाता है, वो करता है जो इमेज है उसे फोकस करता है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होगा, लाइट पास होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसको टेलीविज करना है वो लेंस में से पास होगी। लेंस क्या करेगा, जो भी लाइट है, ऑब्जेक्ट है, उसकी जो भी इमेज है उसको फोकस करेगा। और इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, और देखिए जो इसका फ्रंट होता है इसमें एक रेक्टेंगुलर ग्लास फेस प्लेट होती है कैमरा ट्यूब पे। और जो ये जो ग्लास, इसको फेस प्लेट बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ये कोटेड होती है एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव कोटिंग से। इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव कोटिंग होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट और कंडक्टिव होती है, बहुत ही थिन होती है ये। और इसके साथ एक और लेयर होती है जो कि होती है फोटो कंडक्टिव, जो हमारा सरफेस होता है फोटो कंडक्टिव मटेरियल लेयर होती है। देखिए, ये जो फोटो लेयर होती है इसका रेजिस्टेंस, ये जो लेयर होगी इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा जब तक इस पर कोई भी लाइट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। लेकिन इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी फॉल होती है एक फोटो कंडक्टिव सरफेस पे। ये डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी पे, लाइट इंटेंसिटी वेरिएशंस पे, जो कि ऑप्टिकल इमेज है उस जो फोकस के थ्रू आ रही है उस पे। और इसमें देखिए जो अनदर साइड होती है वहां पे एक कैथोड होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है, यहाँ पे इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, एक साइड से वो ग्राउंड होती है और यहाँ से क्या होती है इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो कि पूरी जो फोटो कंडक्टिव सरफेस है इसको, ये जो सरफेस है इसको कवर करेगी ये बीम, अब ऊपर से नीचे तक और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कंप्लीटली इसको कवर करेगी। इस बीम का यूज क्या होता है, ये पिक करती है जो भी पिक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन को, जो भी जिस तरह की पिक्चर हमें चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन को शो करती है। जो बीम होती है वो प्रोड्यूस करती है यानी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और टीवी कैमरा ट्यूब पे ये फोकस करते हैं। और इसका एक और पार्ट होता है कि जो इसकी इनर साइड होती है, ग्लास फेस प्लेट होती है, ये जो ग्लास फेस प्लेट होगी इसकी जो इनर साइड है वो डिफ्लेक्ट होती है। किसके थ्रू डिफ्लेक्ट होती है, कोयल्स के थ्रू। इसमें एक मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन और फोकस कोयल का यूज किया जाता है जो कि ग्लास एनवलोप पे माउंट होता है, यानी ग्लास एनवलोप पे होता है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और इसका काम क्या होता है, जब भी हमारी स्कैनिंग होगी, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू स्कैनिंग होगी, जो भी हमारी पिक्चर है वो वैसे ही होगी जैसे हम किसी कॉपी को रीड करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि लेफ्ट से राइट कॉपी को रीड करते हैं, फिर हम नीचे अगले लाइन नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, फिर लेफ्ट से राइट, फिर नेक्स्ट लाइन पे, इस तरह से ही ये जैसे हम पेज को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, ऐसे ही ये क्या करेगी, इमेज को एक तरह से रीड करने का काम करेगी, इमेज को स्कैन करेगी। और जो डिफ्लेक्टिंग कोयल्स होती हैं, इनका काम डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने का होता है। देखिए, इसमें क्या होगा,
इसमें दो स्वीप ऑसिलेटर होते हैं जो कि कंटिन्यू जनरेट करते हैं सातुथ वेव फॉर्म को, और जो उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करता है। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है करंट के थ्रू, यानी जो एक कोयल होगी, दो कोयल्स होती हैं, एक कोयल का काम हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। कैसे वो हम देखते हैं। ये जो कंडक्टिव कोटिंग लेयर होती है इसके साथ कनेक्टेड होते हैं हमारा लोड रेजिस्टर और पावर सप्लाई, ये डीसी सप्लाई होती है, और उसके बाद हमारे यहाँ हमें यहाँ से वीडियो सिग्नल आउटपुट मिलती है। अभी हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम किस तरह से स्कैन करती है। देखिए ये होती है हमारी डिफ्लेक्शन कॉइल्स, ये कहते हैं डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती है वो हम देखते हैं। देखिए ये जो होता है पाथ होता है, जो हमारी फोटो कंडक्टिव लेयर जिसको बीम स्कैन करती है, पाथ होता है स्कैन बीम का जो कवर करती है पिक्चर के एरिया को। मान लीजिए पिक्चर एरिया है, इसको रास्टर बोला जाता है। ये शो करते हैं इसकी हाइट या इसकी विड्थ, इसकी ऊपर साइड को टॉप बोला जाएगा, लोअर साइड को बॉटम बोला जाएगा, और ये है उसका बॉटम, ये टॉप होगा, विड्थ होगी और ये हाइट को शो करेगा। जैसे कि हमने कहा है कि ये वैसे ही स्कैन करती है वैसे जैसे हम कॉपी को रीड करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन कॉयल होती है वो फीड करती है दो स्वीप ऑसिलेटर्स को जो कंटिन्यू जनरेट करती है साथ उस वेव फॉर्म। और इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होगी जो करंट के थ्रू होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करेगी बीम को, यानी कि बीम लेफ्ट से राइट की साइड मूव करे इस तरह से, ये लेफ्ट से लेकर राइट की साइड, ये थोड़ी सी डायगोनल होती है, लेफ्ट से राइट मूव करती है। और ये इनमें क्या होता है कि इसके हेल्प से ही पिक्चर जो होती है वो शो होती है, यूनिफॉर्म रेट में ये मूव करती है और ब्राइटनेस शो करती है, और एक क्विकली जो ब्राइटनेस आती है वो क्विकली आती है, और जब वो राइट पे पहुंच जाती है वो फिर से बैक जाती है। सेम वैसे ही जैसे हम कॉपी का लाइन रीड करते हैं, पहले रीड करते हैं फिर दूसरी लाइन पे जाते हैं, फिर यहाँ से वो फिर से क्या करती है, ट्रेस करती है, यानी फिर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। ये जो लाइन होती है इसे ट्रेस बोलते हैं, और ये जो डॉटेड वाली लाइन है इसे रीट्रेस बोला जाता है। देखिए फिर से रीट्रेस होगा, फिर ट्रेस, फिर रीट्रेस, इस तरह से ये कंप्लीट पिक्चर को कवर करती है, यानी कि ये जो बीच में हिस्सा से कंप्लीट पिक्चर को कवर करेगी। इसके बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है इसको रीट्रेस लाइन बोला जाता है, इसमें कोई भी स्कैनिंग नहीं होती है, और ये जो ब्लैक लाइन है जो ट्रेस बोला जाता है, सेल जो स्कैनिंग होती है जो पिक्चर आती है वो इसी में आती है। देखिए जब हम कोयल्स की बात कर रहे हैं तो जो एक कोयल होगी वो क्या करेगी, लेफ्ट से राइट बीम को मूव करवाने का काम करेगी, यानी डिफ्लेक्ट करने का काम करेगी, और जो दूसरी कोयल होती है वो भी डिफ्लेक्शन करती है, लेकिन बीम को कहाँ से डिफ्लेक्ट करेगी, टॉप से बॉटम। एक तो डिफ्लेक्ट करेगी और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, और एक करेगी टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें, ताकि इस पूरी स्क्रीन को स्कैन किया जा सके। और ये जो प्रोसेस होता है क्विकली होता है, दो मोशन सिमिटेनियसली होते हैं, एक तो लेफ्ट से राइट की तरफ टारगेट प्लेट पे, और दूसरा टॉप से बॉटम की तरफ, जो एंटायर एरिया को कवर करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल इमेज होती है, जो पिक्चर होती है वो अवेलेबल होती है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूव करेगी दो कॉइल्स की हेल्प से। तो इसमें क्या होती है, ये सारे एलिमेंट जो पिक्चर एलिमेंट्स हैं उन्हें कवर करती है, और ये मूव करती है एलिमेंट से एलिमेंट तक, और एनकाउंट करती है डिफरेंट रेजिस्टेंस को, टारगेट पे जो डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं उनको एनकाउंट करती है, और जो भी रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड होगा फोटो कंडक्टिव कोटिंग पे, यानी जो फोटो कंडक्टिव सरफेस होता है इस पे डिपेंड करता है जो भी रेजिस्टेंस होगा। और इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वैरी करेगा, जो एलिमेंट से एलिमेंट जो स्कैनिंग होगी उससे मैग्नीट्यूड वैरी करता है, और जो करंट होता है फिर वो करंट पास होता है लोड रजिस्टर की तरफ, यहाँ से जो कंडक्टिव कोटिंग से लोड रजिस्टर की तरफ पास होता है। और इसकी एक साइड कनेक्टेड होती है डीसी सप्लाई के साथ, यानी कि यहाँ से ये जो पावर सप्लाई है ये डीसी पावर सप्लाई होती है,
और डीसी पावर सप्लाई दूसरी साइड पर प्रोवाइड की जाती है, और इसके बीच में से लोड रजिस्टर के ऊपर हमें वीडियो सिग्नल आउटपुट मिलती है, और जो भी हमारी वीडियो को डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड, करंट के मैग्नीट्यूड पे, और जो वोल्टेज वेरिंग होगी, अपीयर होगी वो लोड रजिस्टर के अक्रॉस, उससे डिपेंड करेगी, और जिससे हमारे पास ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन आएगी पिक्चर की। ये होता है टेलीविजन कैमरा ट्यूब क्रॉस सेक्शन व्यू। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।